नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं NHI न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज मध्य प्रदेश का किसान भी शामिल हुआ। एवं पिछले कई दिनों से जो बातें हो रही थी कि दिल्ली में चल रहे आंदोलन में सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं, उस बात को भी नकारा गया। अन्य राज्यों के किसान बिल के समर्थन में हैं एवं सरकार के बिल का समर्थन कर रहे हैं। इन तमाम तरह की बातों पर आज पूर्ण विराम लगाते हुए मध्य प्रदेश के किसान भी रोड पर उतर आए हैं। उन्होंने आज मुंबई आगरा राजमार्ग पर बने खलघाट टोल प्लाजा पर शांतिपूर्ण आंदोलन किया एवं अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम आवेदन देकर अपनी मंशा सरकार के सामने जाहिर कर दी है। पुलिस प्रशासन के तगड़े इंतजाम को देखकर लगा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। मात्र एक दिन का आंदोलन करके किसानों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा दी है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष कमल आंजना एवं प्रांत उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार के साथ ही मालवा निमाड़ के समस्त पदाधिकारी गण शामिल होकर इस आंदोलन को सफल बनाया। किसान तो रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन, जो हमसे टकराएगा वो हमने मिल जाएगा। किसान सीआई का लग गया, बोले लगा कि नहीं लगा, ये जांच का विषय है कि नहीं है। सब कहने को जी करता है कि अरे ये व्यवस्था बनी दुश्मन की जिसको अन्न देते हम, अरे पानी महंगा दूध सस्ता, कैसे जिएंगे हम यहां किसान शोषित हुआ संगठन के लोगों। हमने ऐसा तय किया था कि हमारे क्षेत्र में हम सरकारों को नहीं पहचानते, हम तो पहचानते हैं कुर्सी को। और इस कुर्सी ने वायदा किया था कि किसानों को 75% फसल खराब हुई है, इनको 100% मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।